कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपकी नमाज चली जाएगी, फिर आप बुरे लोगों के साथ संगत में बैठने लगोगे। नंबर 3, आप अकेला महसूस कर लेंगे, है ना? वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, है ना? उनका दिल तोड़ देते हैं, उनका सुनते नहीं। हम रियलाइज नहीं करते हम कितना बड़ा गुनाह करते हैं। इस हर चीज की पकड़ इस दुनिया में ही है। जो इंसान जुल्म करता है, जिस जमीन पर जहां पर भी जुल्म होता है, उस इंसान की पकड़ अल्लाह इस दुनिया में भी करता है और आखिरत में भी हो। तो हम कोशिश करना चाहिए कि हम इस चीजों से बचे और जितना हो सके अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि जुल्म कोई पसंद नहीं करता, सबसे ज्यादा अल्लाह पसंद नहीं करते। तो हम ऐसा काम नहीं करें कि अल्लाह आपसे नाराज ना हो, और अपने माँ बाप की इज्जत करें। अल्लाह को मनाना सबसे आसान है। सबसे पहले हमें नमाज कायम करना चाहिए। नमाज है तो जिंदगी है, क्योंकि कहते हैं ना, नमाज ही पढ़ना चाहिए। और अजान में बताया गया है, हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह। तो देखो, पहले नमाज की दावत, फिर कामयाबी की दावत। अल्लाह फरमाते हैं कि जो नमाज के पास आएगा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। तो नमाज और अल्लाह को खुश करे, सबसे पहले अल्लाह का तारुफ कर होना चाहिए। उसके बाद हम नमाज की तालीम दे, और घर में हमारे बाल बच्चों को, घर के लोगों को नमाज की तालीम दे, और 5 टाइम की नमाज पढ़ने की नेक तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारा अल्लाह इससे राजी होता है। और हमारे कदमों में